भले ही अब तक आपको कोई दिमागी बीमारी ना हुई हो, मगर रोजमर्रा का तनाव इस कदर है कि ये आपसे आपकी सुकून और खुशी छीन सकता है। ऐसे तमाम प्रयोग हुए हैं जो ये कहते हैं कि आप कुछ कदम उठाकर ऐसी मुश्किल से निकल सकते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में पॉजिटिव साइकोलॉजी कहते हैं। पिछले 20 साल से इस पर रिसर्च हो रही है। मनोवैज्ञानिक ऐसे तमाम आसान नुस्खे बताते हैं जो आपका मूड बेहतर कर सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि हम अपनी मसरूफ जिंदगी में से इतना वक्त कैसे निकालें कि खुद को खुश करने वाले ये नुस्खे आजमा सकें। सैंडी मैन ब्रिटेन की लंकाशायर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं। वो इस मुश्किल का एक हल सुझाती हैं। मनोचिकित्सक के तौर पर अपने तजुर्बे के आधार पर सैंडी कुछ तरीके बताती हैं जो आपके काम आ सकते हैं। अपनी किताब 10 Minutes to Happiness में सैंडी ने इस नुस्खे को रोजमर्रा की किताब के तौर पर पेश किया है। उन्हें इस पर अमल को 6 भागों में बांटा है, यानी रोज 6 सवालों के जवाब आपको लिखने होंगे। नंबर 1, कौन सा अनुभव भले ही वो बहुत आम सा क्यों ना हो, आपको लुफ्त देता है या नहीं। नंबर 2, आपने अपने काम के लिए कौन सी तारीफ और क्या फीडबैक पाया है। नंबर 3, वो कौन से ऐसे लम्हे थे जिन्हें आप विशुद्ध रूप से अच्छी किस्मत मानते हैं। नंबर 4, आपकी नज़र में आपकी कौन सी उपलब्धियां रही हैं, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना रही हों। नंबर 5, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपने एहसानमंद महसूस किया हो। नंबर 6, आपने नेकी का इजहार किस तरीके से किया। सैंडी के तैयार किए गए इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। इससे ये संकेत मिलता है कि रोजमर्रा की भाग दौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालकर अपने दिन का हिसाब किताब इस तरह से लगाएं तो आप तनाव से खुशी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। जब हम कमजोर या बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो अच्छे अनुभवों की अनदेखी हो जाती है, लेकिन इन सवालों के जवाब तलाश करके हम अपना ध्यान नेगेटिव बातों से हटा सकते हैं। सैंडी आगाह करती हैं कि आपको इन सवालों के जवाब लिखते ही बेहतर महसूस होने लगेगा, लेकिन इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर मुश्किल दौर का सामना करने में सहूलियत होगी। किसी बुरी घटना के बाद आपका मूड खराब होगा तो आप इन अच्छी यादों पर दोबारा नजर डालकर ये महसूस करेंगे कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। इस नुस्खे का 6ठा सवाल नेकी या मेहरबानी के हालिया रिसर्च पर आधारित है। बहुत से तजुर्बों से साबित हुआ है कि किसी की मदद करना या नेकी का कोई काम करना आपकी बेहतरी में मददगार तो होता ही है, आपके मूड को भी बेहतर करता है। थोड़े पैसों से किसी अजनबी की मदद करके आप ज्यादा महसूस हासिल कर सकते हैं। इसी पैसे को अपने ऊपर खर्च करके आप उतने खुश नहीं होंगे। ये रिसर्च कम से कम 130 देशों में सही साबित हो चुकी है। जब आप मुश्किल वक्त में ऐसे किसी काम को याद करेंगे तो मूड बेहतर होगा। आप फिर से कुछ अच्छा किसी का भला करने के लिए खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। दिन भर के काम की 10 मिनट में समीक्षा करने से कोई जादू तो नहीं होगा। अगर किसी को ये शक है कि वो डिप्रेशन में जा सकता है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग आम तौर पर हारा हुआ महसूस करते हैं, तनाव में रहते हैं, जिनमें डिप्रेशन के लक्षण नहीं दिखते, उन्हें ये नुस्खा काफी मदद कर सकता है। जो लोग अक्सर बोर होने की शिकायत करते रहते हैं, ये नुस्खा उनके लिए है। बोर होने के भी फायदे हैं। अगर आप खाली हैं तो आपका जहन स्वच्छ विचरण करता है। इस दौरान कई क्रिएटिव आइडिया भी आपके दिमाग को सूझ सकते हैं। अगर जीवन में नीरसता के कुछ पल हैं तो उनका बुरा ना मानिए। उस दौरान दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, ना कि मोबाइल या कंप्यूटर पर वक्त बर्बाद करें। कुछ बोरिंग काम जैसे तारे गिनना या फिर फोन बुक से नंबर रटना भी आपके जहन को धार दे सकते हैं। दिन में ख्वाब देखना भी जहन की बेहतरी के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप किसी मुश्किल का हल नहीं खोज पा रहे हैं तो थोड़ा वक्त किसी बोरिंग काम में लगाएं। इसी दौरान हो सकता है कि आपको अपनी मुश्किल का हल भी मिल जाए। आज के दौर में ये बात और भी मुफीद हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारा समय सोशल मीडिया पे गुजारते हैं। वक्त के साथ साथ आपकी सहनशीलता बढ़ती जाती है। पहले के मुकाबले आप तुरंत नहीं खींचते, आप शांत रहकर अपनी चुनौती पर फिर से गौर करते हैं। जीवन में नीरसता का सामना करने के लिए आपको ढेर सारी बोरियत की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।